नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जनपद सरस्ती के तहसील जमनहा अंतर्गत सपा कार्यकर्ता मुलायम युद्ध ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार आदि निम्न मांगों को किसान को उनकी फसलों को लाभकारी व न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। प्रदेश में किसानों को गन्ना का बकाया भुगतान 15,000 करोड़ रुपए तत्काल दिए जाए। किसानों को पर जो भी कल कृषि कानून थोपा जा रहा है उसको वापस लिया जाए। बढ़ते महंगाई, डीजल पेट्रोल रसोई गैस कृषि यंत्र पर रोक लगाया जाए। बेरोजगार नौजवान किन्नों रोजगार दिया जाए। उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर रोक लगाया जाए। समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे वापस किया जाए। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है अपराध बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश के बदहाली तत्काल दुरुस्त किया जाए। बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। कोरोना काल में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के जांच कराया जाए। जिला पंचायत क्षेत्र के पंचायत अध्यक्षों को चुनाव में हुए धांधली एवं हिंसा के जांच कराया जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकार के ऊपर लगातार हो रहे हमले पर रोक लगाया जाए। जमनहा से चिचड़ी तक मार्ग का निर्माण कराया जाए आदि मांगों को लेकर सपा के जिला अध्यक्ष मुलायम युद्ध ब्रिगेड राजेश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी जमनहा को सौंपा। इस दौरान सरोजनी शर्मा, कांतिराम वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश वर्मा, किशोरी लाल विश्वकर्मा, पप्पू सिंह, राजू अहमद, अबरार अहमद उर्फ राजू, मनोज कुमार आदि तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिपोर्ट बोजो अहमद श्रावस्ती। तहसील स्तर पे आए हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, हम ज्ञापन देने आए हैं। सीएम साहब को अपनी बात बताने आए हैं। इनके द्वारा वो राज्यपाल महोदय को पहुंच जाएगा हमारी बात उन तक, क्योंकि जो आजकल ये गुंडाई हो रही है वो हमारी सरकार में कभी नहीं हुई, ना कभी हुई है, ना हुआ है, ना होने की उम्मीद है। ये हमारी सरकार थी, हर लोगों को पर्चा मिलता था, सब लड़ाई अपने किस्मत की होती थी, कोई जीतता था कोई हारता था, ये अपनी किस्मत से होता था। इस बार किसी को पर्चा ही नहीं लेने दिया गया। एकौना में धरना दिया गया, हमारे ज़िले में किसी की नहीं सुनी गई, जबरदस्ती बना दिया गया, हर पांचों ब्लॉक में जबरदस्ती बनाए गए। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी गुंडाई कर रहे हैं, तेल 100 के पार डीजल पहुंच रहा है, हमारा पेट्रोल पहुँच रहा है, लोग कैसे चलेंगे? भुखमरी इतनी है, महिलाओं की कहीं सुनी नहीं जा रही है, कहीं भी। सबसे ज़्यादा अन्याय कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज़्यादा अन्याय ये कर रहे हैं महिलाओं के साथ। अब जब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, जब तक ये अपनी आदत में सुधार नहीं लाएंगे और सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका तो कोई परिवार नहीं है जो ये जाने, किसी का दर्द इनको दर्द नहीं है, ना दर्द ये जानेंगे। हम लोग तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी सरकार नहीं बन जाती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर नहीं जाती, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे और हम सबके साथ रहेंगे। इसमें प्रमुखता ये है कि जो भाजपा सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में जो गुंडाई की गई है, माता प्रसाद पांडे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उनके हाथ से जो है परपत्र लेके फाड़ दिया गया, इसकी हम निंदा करते हैं। लखीमपुर में प्रत्याशी की प्रस्तावक अनीता यादव की साड़ी खोल दी गई, ये बहुत ही इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस सरकार को हम राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि बर्खास्त किया जाए। अभी जो है 15,000 करोड़ रुपया जो गन्ने का बाकी है इसका भुगतान किया जाए। और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुकदमे की वापसी हो और उनका उत्पीड़न बंद हो। और समाजवादी पार्टी इस प्रदेश के नहीं, इस देश के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी माननीय आजम खान साहब और उनके सुपुत्र विधायक, उनको जेल में जो बंद है उनको रिहा किया जाए, उनके परिवार का उत्पीड़न बंद हो। और समाजवादी पार्टी के जो जितने भी प्रदेश में नेताओं या कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हो वापस किए जाएं। ये सरकार जो है सबसे भ्रष्ट सरकार है और इसको हम राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं, राष्ट्रपति जी से सरकार बदलनी चाहिए। जय अखिलेश, जय समाजवाद।